नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका माथुर। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी और कार्यकर्ताओं का जोश सर चढ़कर बोल रहा है। जनता को लुभाने के लिए हर बार पार्टी अपने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करती है, लेकिन अब तक चुनाव के लिए राजस्थान में स्टार प्रचारकों की कोई सूची जारी नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इससे पहले ही यहाँ की कमान अपने हाथों में ले ली है। हिमाचल की तर्ज पर क्या अब राजस्थान भी प्रियंका के जिम्मे है, या फिर सचिन पायलट को साथ कर चुनाव शांति से करवाना सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से तो यही दिख रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव की कमान इस बार प्रियंका गांधी संभालेंगी। यही वजह है कि बीते एक महीने में प्रियंका गांधी यहां दो बड़ी सभाएं कर चुकी हैं और अब 25 अक्टूबर को झुंझुनू में फिर से जनसभा को करने जा रही है। लगभग 4 दिन पहले दौसा पहुंची थी प्रियंका गांधी। वे ERCP के लिए आयोजित जनजागरण अभियान में शामिल हुई थी। इससे एक महीने पहले प्रियंका ने निवाई में जनसभा की थी। हालांकि विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए अभी स्टार प्रचारकों की सूची नहीं आई है, लेकिन प्रियंका गांधी ने यहां ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हिमाचल की तरह राजस्थान में विधानसभा चुनावों की बागडोर प्रियंका गांधी के हाथ ज्यादा रहेगी। दरअसल राजस्थान में प्रियंका गांधी के सबसे ज्यादा सक्रिय होने के कई मायने हैं। प्रदेश में पायलट गुट की बगावत के बाद जो सियासी घमासान मचा था, उसे भी काफी हद तक प्रियंका गांधी ने ही कंट्रोल किया था। गहलोत सरकार से बगावत करने के बाद पायलट की कांग्रेस में वापसी प्रियंका गांधी ने ही करवाई थी। इसके बाद भी जब जब राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच विवाद बढ़ा, प्रियंका की उसमें एंट्री हुई। इसके बाद भी गहलोत और पायलट के बीच कड़वाहट लगातार बनी रही। कई मौके आए जब पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ खुलकर बयान दिए। इसी साल पायलट ने गहलोत सरकार को अल्टीमेटम तक दे दिया था। इसके बाद भी प्रियंका ने मामले को ठंडा किया। यही वजह है कि राजस्थान में प्रियंका की ज्यादातर सभाओं की जिम्मेदारी पायलट संभाल रहे हैं। निवाई में पायलट ने यहां तक कहा था कि जहां जहां प्रियंका गांधी सभाएं करती हैं, वहां वहां कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलता है। तो कांग्रेस का अंदरखाना प्रियंका को लकी भी मानता है और सियासी घमासान में भी प्रियंका को उतार कर सब शांति से करवाना चाहता है। देखना ये होगा कि चुनावी नतीजे जब घोषित होंगे तो राजस्थान की जनता किसको अपने लिए लकी मानेगी और किसके सर राजस्थान की कमान आएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।